नमस्कार, मेरा नाम अनीता मीणा है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने बहुत सारी मिठाई बनाती हूँ और उसमें मैंने बर्फी भी बनाई है, मैंने कलाकंद बनाया है। लेकिन आज मैं बर्फी बना रही हूँ। इस समय गर्मी का टाइम चल रहा है और बहुत आम आ रहे हैं पके पके। आज मैं मैंगो बर्फी बना रही हूँ। ये 1.5 कप के करीब मैंगो पल्प है और ये 1 कप सूजी ली है मैंने, 1 कप चीनी ली है और 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन कोई सा भी ले सकते हैं आप, मोटा पतला जो भी लेना है। और ये 1/2 कप के करीब मैंने घी लिया है और मैं चीनी को इसमें कैरेमलाइज करूंगी और उसके साथ पकाऊंगी मैंगो बर्फी। तो सबसे पहले मैं ये जो मेरा मैंगो है इसको मैं पकने के लिए चढ़ा रही हूँ। इसको थोड़ा पकाना है, पका के इसको रिड्यूस करना है, थोड़ा गाढ़ा करना है। और दूसरी तरफ मैं सूजी और बेसन को भुनने का काम करती हूँ। तो मैं दोनों काम धीरे धीरे करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको मैंगो बर्फी को सबसे पहले ये मैंगो पल्प है इसको मैं पकने के लिए चढ़ा रही हूँ। हल्की आंच पे चढ़ा दिया है पकने के लिए। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच घी गिर रही हूँ, इसी में से डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। तो उसके वजह से ये जो पकाते टाइम थोड़ा नीचे से जलने लगे तो जलेगा नहीं ना, इस वजह से ये डाल दिया है मैंने। और मैंने इसमें घी डाल दिया है। मैं इसमें बेसन और सूजी दोनों को मिला के भूनने के लिए चढ़ा रही हूँ। और बेसन दोनों को डाल दिया है मैंने मिला के। मैं इसको थोड़ा मीडियम आंच करके इसको पूरा अच्छी तरह से भून लूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ मेरा पल्प भी पका रहे हैं। ये देखिए, इसका जितना भी पल्प का जूस होता है ना, वो सारा का सारा सूख गया है। अभी जो भी है ये सिर्फ पल्प है। 1-2 मिनट में इसको और पका रही हूँ, उसके बाद मैं इसको उतार दूंगी। फिर मैं इसमें चीनी डाल के इसको पकने के लिए रखूंगी। और इधर मेरा ये बेसन और सूजी ये भी बहुत अच्छी भुन गई है। मैंने बहुत कम घी घेरा है, 1/2 कप सिर्फ। अगर आपको जरूरत लगे तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, पर मैंने इतना ही डाला है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा सूखा लगा जब, तो मैंने इसमें 3 चम्मच घी और डाला है। आप भी डाल सकते हो इसी तरह से। वैसे इसका मेजरमेंट ये होगा कि जितना मैंने 2 कप लिया ये बेसन और सूजी, तो 2 कप में 1 कप घी गिरता है, तो आप उतना भी ले सकते हो। बस 1-2 मिनट में इसको और थोड़ा सा भून रही हूँ, उसके बाद मैं इसको उतार के और फिर मैं उधर चीनी को कैरेमल होने के लिए रखूंगी। पकाया था उसी में मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ और इसी चीनी में मैं 2 बूंद पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, इससे फालतू नहीं डालूंगी और मैं इसको चलाती रहूंगी कि मुझे इसको चीनी को कैरमल करना है। तो ये देखिए मेरी चीनी की ये शक्ल हो रखी है, अभी वो पिघली नहीं है। लेकिन मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये 1/2 कप के करीब दूध है, आधा कप दूध नहीं है, इसमें 2-3 चम्मच दूध है और इसमें बाकी 1 चम्मच भर के मैंने मलाई डाल रखी है जिसे मैं इसमें डाल दूंगी। और करीब मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि दोनों के दोनों चीज के साथ ही अच्छी तरह से कैरमल बनके तैयार हो जाए। खूब अच्छी पक रही है। और ये जो मेरा पल्प था इसको भी मैं इसी में डाल दी दिया मैंने। तो चाशनी के साथ थोड़ा पक के मिक्स हो जाएगा ना, तो सूजी में बेसन में मिलाने में आसानी रहेगी। कैरमल और मैंगो दोनों मिक्स करके तैयार हो गया, बहुत बढ़िया बन गया। इससे ज्यादा नहीं कर करूंगी, तो ये क्या है फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसकी वजह से मेरी बर्फी जो है ना बहुत हार्ड हो जाएगी। मेरी सूजी है और मैं अपनी सूजी में अपना कैरमल डाल रही हूँ और फिर इन दोनों को एक साथ पकाना है। क्योंकि मैंने इसमें घी कम डाल रखा था, ज्यादा घी नहीं डाला, तो इसलिए मेरे को इतना तो लूज इसको रखना ही था। मेरा कैरमल बहुत बढ़िया तैयार हुआ है, इतना बढ़िया टेक्सचर आ रखा है। अब एक बार ना इन दोनों चाशनी को और इसे बेसन सूजी को एक साथ पका के थोड़ा सा गाढ़ा कर लूं, उसके बाद मैं इसको थाली में डाल दूंगी। देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ। तो ये दानादान इस चक्कर में है दानेदार, क्योंकि वो सूजी है ना, वो सूजी तो दानेदार ही रहेगी। ये मैं थाली में डाल रही हूँ और बस इसको फैला देते हैं। मैंने तो कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं काटा इस समय इसमें डालने के लिए, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, इसमें गोला डालें, बादाम, काजू, जो भी डालना है आपको। काफी सारा है ये, इसलिए थाली में भी ये मोटा मोटा ही जमेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये।
थोड़ी देर में ये अगर मैं अंदर भी नहीं रखूंगी तो बाहर ही सेट हो जाएगा। फिर मैं इसके पीस काट के आपको दिखाती हूँ। बर्फी मेरी जम गई है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हुई है और बहुत बढ़िया बनी हुई। मैं आपको इसके पीस दिखाती हूँ। पीस देखिए इसके कितने बढ़िया है, आगे पीछे दोनों तरफ से, ये देखिए, ये देखिए। मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो का आप शेयर भी जरूर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो मेरी मैंगो बर्फी कैसी लगी है जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके।